क्या खाना चाहिए? पिज्जा खाना। पिज्जा? ईद वाले दिन खा गए हो? कुछ चाहिए और कुछ रखाऊंगा दस। अभी तक हम हेल्थ करवा रहे थे, शुक्र है अंदर से आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला हर ईद जो है वो खुशियों भरी लेके आए। अच्छा, रात को हमारी कुर्बानी आ गई थी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन सा जो है वो बकरा लिया है। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। हाँ जी, अच्छा जी, ये आ गया हमारा कुर्बानी का बकरा। हाँ जी साहब जी, आप कुर्बान होने जा रहे हो? बेबी चांपा मैंने देनी है नहीं। चांपा मैं तो सारा इक्वल हिस्से करने हैं तीन। अजी भाई तां सिरी दे रहे था। हां तो पाया सी आप खावांगे जी आपकी। मुझे वो जो नहीं था देनी। और कोई लाइट नहीं है जी, तकरीबन 9 बज गए हैं, बारिश हुई है रज के। अभी बाहर सेन जो है वो धुल रहा है, सफाइयां चल रही हैं। और सबसे पहले मुझे शानी ईद मिलने के लिए आया। शानी मीठा लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं। क्या खाना चाहिए? पिज्जा खाना। पिज्जा? ईद वाले दिन भी पिज्जा खाने? अस्तगफिरुल्लाह, तुम तो वाकई हमजा के मामू हो। हमजा हमारे को भी पिज्जा चाहिए होता है। बस फाइनली जो है वो चीफ गेस्ट आ गए, यानी कि कसाई आ गए। उसके लिए जी अभी नाश्ता बन रहा है। कसाई के लिए हमने पहले जो है वो रस मलाई निकाल दी है मैंने, साथ में ऑमलेट वगैरह बन गया है, और साथ ही हमने चाय रख दी है कि फटाफट उनको जी चाय सर्व की जाए, ताकि वो अच्छा अच्छा सा ना काम है वो कर लें, ठीक है, और फटाफट जो है हम कुछ ना कुछ बनाएं और खाएं। मम्मा ने स्पेशल मेरे लिए रसमलाई बनाई है। स्पेशल बनाई है? और कल क्या हुआ कि जब रात को मैंने रसमलाई में बनाने लगी हूँ, मुझे पता नहीं गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैंने ना रसमलाई ढीली कर दी, फिर मैंने दूसरा पैकेट मंगवाया और फिर मैंने इसे दोबारा बनाई। लेकिन अब यह अल्लाह का शुक्र है रसमलाई ना टूटी है ना ख़राब हुई है। बस शेप आप इसकी इग्नोर कर दें, शेप इसकी बिल्कुल खस्ता वाली है, फिर बस ये है कि इतनी गर्मी में रसमलाई बन गई है। सही बात है। हेलो। अच्छा जी, ये अल्लाह ताला कबूल करे, तीन इक्वल हिस्से कर दी हैं, ठीक है, जो शरीयत के मुताबिक होता है। बाकी अल्लाह खैर करे, बाकी दूसरा कुर्बानी आएगी तो फिर वो देखेंगे। अच्छा जी, अभी ये तीनों कर दिए हैं, जो घर वगैरह भिजवाने हैं सबके घर में, वो मेरा दिल है कि इस तरह इन डब्बों के अंदर पैक करके भेज दूँ। कलेजी के भी मैंने हिस्से कर दिए। आ गया गोश्त? आ गया गोश्त। फिर उषा को साथ लगाया मैंने, कहा चलो मेरी हेल्प करवाओ, सबके घर गोश्त भेजें, टाइम के साथ फ्री हो, कपड़े शपड़े चेंज करें और कुछ शोशा मारे। मामा जी इधर जाना है फोटो शूट के लिए। किधर? पार्क जी। फोटो शूट हो रही है, वो मेरा एड्रेस है। आओ आप की तरफ पर क्या जानी है, ईद लेनी है या गोश्त लेना है? कुछ भी नहीं लेना। क्यों? चाय लेने कोई नहीं बताना। हम तो आपने कह रहे हैं ईद लेनी है या गोश्त लेना है। दोनों गोश्त भी लेना। उठो, ये अम्मी के घर देख के आऊँ। अम्मी को भेज रहे हैं जी गोश्त और साथ में फ्रूट सैलेड प्लेट को लग गया। उठो, हमसे जल्दी करो, ट्रे उठाओ, अम्मी के घर देख के आओ। उठ जाओ, पर तैयार हो जाओ। हाँ, और साथ तैयार होके बस लेट रहिए, और क्या करना है सारा दिन। ट्रे उठाओ, जल्दी करो, अम्मी के घर देख के आओ। गुड बॉय, आ जाओ। अब आ गया भुनाई का टाइम, ठीक है। अब इसे रज के भुने, कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना, सिर्फ नमक और पानी। और कढ़ाई जो है वो भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, सब कुछ तैयार है। नान मंगवानी है साथ? नान नहीं नहीं चलो, लेमनेड वगैरह बना दिए? हाँ जी बना दिए। चलो रखो फिर खाना खाने। मेकअप मैंने कर लिया, मेरी सिर्फ लिपस्टिक रहती है, और आज ना मैंने फर्स्ट टाइम कर्ल्स की हैं, क्योंकि मेरे ड्रेस के साथ कर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मलाइका जो अभी मैं तैयार हो रही हूँ, अभी मलाइका जो अभी तैयार हो रही है, तो अभी मैं उनका क्लिप दिखाती हूँ। और मामा जो है अभी तक लेटी हुई है बेड पे, मामा ने अभी तक ना मेकअप किया ना कुछ किया। टाइम हमारे पास तीन हो गया, और आप मुझे बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ, अभी लिपस्टिक में ही रहती हूँ। मामा अब लेटी हुई है, आपने तैयार नहीं होना ईद के लिए? नहीं, मैं उठी हुई, तो मैं नजर नहीं आ रहा, सुबह 8 बजे की मैं उठी हुई थी, इतने काम थे, अब मैं लेट गई, मुझे 6 बजे उठाना। मामा 3 तो वैसे बज गए, अभी पार्क जाना है। और रमजा भैया मुझे क्या कह रहे थे, मैं कैसी लग रही हूँ? बंदर लग रही हूँ? तुम बंदर? अस्सलाम वालेकुम, मैं और उषा जो है वो तो हम दोनों रेडी हो गए हैं, मामा तो अभी तक तैयार हुई ही नहीं है। तकरीबन 5 बजने वाले हैं, मामा को और मैंने उठाया, मामा उठ जाए उठ जाए, हमने भाई तस्वीरें बनाने जाने। हाँ जी मामा, स्क्रबिंग हो रही है आपका फेवरेट काम। जब भी तैयार होती हूँ ना, जब भी मैंने कोई मेकअप करना हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो, तो ठीक है मैं स्क्रब जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ चिल्टन प्योर का चारकोल स्क्रब, ठीक है, जो आपके फेस के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल होता है, ब्लैक हेड वाइट हेड जी उसको रिमूव करता है। और आपको इनकी वेबसाइट से बहुत ज़्यादा जो स्क्रब्स हैं ना वो मिल जाएंगे। और जिस तरह मेरी मैच्योर स्किन है, जिस तरह आपकी मैच्योर स्किन हो, आप जब मेकअप करने से पहले अगर आप थोड़ी सी भी स्क्रबिंग कर लेते हैं ना, तो इससे आपकी जो स्किन होती है वो एक्सफोलिएट हो जाती है, जिससे आपकी बेस जो है वो फ्लॉलेस लगती है।
इस वजह से मैं जो हूँ वो मस्त जो है वो स्क्रबिंग कर लेती हूँ। अच्छा, और बच्चे मुझे कब से कह जा रहे हैं, ये जो माएँ हैं ना वो मेरा दुख समझ सकती हैं कि हम सुबह की उठी हुई हैं, हम इतना थक गए हैं, मेरा तो बिल्कुल तैयार होने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब क्या करें कि मजबूरी है, ज़ाहिर तैयार होने बस आपको ना ईद शीद मिलने मेरा दिल लेके मैं जाऊँ। तो अभी बारल जी बस मैं फटाफट मैंने पाँच मिनट लगाए, तुम टाइम नोट कर लो, मैंने 5 मिनट में तैयार होना। जी जी, हमजा ने अपना ईद का ड्रेस चेंज कर लिया और अब ये दोबारा चेंज करके टीवी देख रहे हैं। हमजा कोई काम नहीं करना, कोई भी नहीं किया। और मम्मा आपका मेकअप कहाँ तक पहुँचा? और आपकी मलाइका जो है वो भी ज्वेलरी ढूंढ रही है, अभी आपको उनका भी क्लिप दिखाती हूँ। फिर आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है? मैं ना सिलेक्ट कर रही हूँ कौन से टॉप्स अच्छे लग रहे हैं, तुमने दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। ज्यादा वाले, ज्यादा वाले झुमके, झुमके पीछे से टैग नहीं उतारा, मम्मा ने कहना अच्छा नहीं उतारा, नहीं मम्मा ने कहना की ये अच्छे लग रहे हैं, दिखाए आप लोगों को, मामा कहेंगे कि ये टॉप्स अच्छे लग रहे हैं तो यही मामा ने कहा, मैं ये उतारने लगी और ये पहनने लगी। और जी मैं भी हो गई हूँ तैयार, पूरे 20 मिनट लगाए हैं, 20 में बस आप 40 मिनट और जो है वो ऐड कर लें, खुद ही प्लस कर लें, क्लिप आप लेंगे लेकिन निकनेम मेरी तरफ है माशाल्लाह, ये देखें। और अभी जी हम तैयार हो गए हैं, फोटोशूट के लिए जा रहे हैं, बाहर जूतियां रह गई हैं, रुशा जूते तो पहन लो, तुमने ये स्लीपर्स पहन के जाने हैं? नहीं अभी हील पहननी है। चलो हील साथ रखनी है गाड़ी में, नहीं, जल्दी करो, रखवाओ पानी, रखवाओ, प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई है। और मेरा जोड़ा जो है लालो लाल बहुत ही प्यारा है, ये इंशाल्लाह मैं जाके आपको दिखाऊंगी। ये देखो रिंग लाइट से इतना फर्क पड़ता है, लेकिन रिंग लाइट में देखो ना डार्क सर्कल आते हैं रुशा, हालांकि है नहीं, उधर करो, रिंग लाइट से वैसे अच्छी आ रही थी। अच्छा, और देख ले मेरी स्किन माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त लग रही है, बेस कैसी फिट जम के बैठी है। ठीक है, अभी हम पहले पार्क जाएंगे फिर अम्मी के घर जाएंगे। हमारी रुशा डॉल बहुत ही प्यारी लग रही है, रुशा का ड्रेस जो है सफायर का, मेरा भी सफायर का, हम दोनों ने सफायर के लिए। और बाकी बहुत ही प्यारा लग रहा है ड्रेस। जी जी, अब मेरा आके क्लिप फाइनल लुक दिखाओ। और ये आप ही की फाइनल लुक है, आप ही का भी ड्रेस सफायर से ही ठीक है, मामा ने पसंद किया था मेरा, मुझे बहुत ज्यादा इसका पसंद, इसका ना बटर है ना वो चेक हुआ है शायद काफी हैवी मतलब स्टफ है, लेकिन मैं इस तरह कैरी करती हूं ना ड्रेस अच्छा लगता है। बाकी शूज़ हमने ही सीट पे कोई नहीं लिए क्योंकि हमने कहा ड्रेसेस भी हैं, और बाकी हमारे शूज़ ना हर ड्रेस के साथ मैचिंग भी पड़े हुए थे, जो मैं लाइट सी तो नहीं है, ये मैंने कैरी किया, हमने इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर की थी, और बाकी ये मेरी फाइनल लुक है। मामा भी बैठी हुई है बेंच के ऊपर, मामा की मामा बात कब से कह रहे हैं कि फाइनल लुक, उधर भी लटे हुए थे, उधर भी उठा 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 के इधर भी लेट गई हैं, इतनी अमीर हूं कि मेरे स्लीपर भी जो है ना वो मैचिंग के हैं। गलती से मैंने एक स्लीपर ले लिए थे, लेकिन आज मेरे सूट के साथ ये मैच कर गए, मेरा सूट बहुत ही प्यारा है। अच्छा, ये कोट शूज मैंने साथ ज्यादा रखे हैं। चलो ना आपका फाइनल लुक भी दिखाएं, चलो आ जाओ, 2 मिनट मोबाइल, आप इधर ही खड़ी हो जाओ, आपको इधर ही दिखा देती हूँ। चलो, पार्क में बहुत ज्यादा शोर है इस टाइम, और गर्मी भी इंतहा की है, बहुत ज्यादा, और गर्मी भी बहुत ज्यादा, और पता नहीं शायद नए कपड़े पहने ना, मुझे वैसे ज्यादा, ये जो ड्रेस है ये मैंने मंगवाया था जी ऑनलाइन कलमकार, ठीक है, और कलमकार के जो ड्रेसेस होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, इनमें लेंथ ये है कि बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है, साथ ही ये सारे पैचेस थे, बस इनको जुड़वाना, बाकी आपके टेलर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको ना जोड़ के सारा सेट करके देते हैं। तो लेस जो है दुपट्टे के ऊपर वो मैंने थोड़ी सी कैनवास में लगवा दी थी, और ये मेरा ईद का जोड़ा है, मैंने सिर्फ एक लिया, मलाइका रुशा ने दो दो, मलाइका को मामा ने दो दो लिए, मैंने एक लिए, हमने आपको कहा था कि मामा ले लें, आपके वैसे इतने ज़्यादा मास्क, हाँ जी मेरे वैसे तुम लोगों के कोई नहीं है, सिर्फ मेरे ही हैं ज़्यादा। गर्मी ने ना सही वाली मत मारी हुई है, कोई पार्क में आए का, कोई कपड़े पहने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बारल जी अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि सूरज चाचू मामू जो है ना ये जाएँ और हम आराम से अच्छी सी तस्वीरें बनाएँ, लेकिन ये है कि पसीना और गर्मी बारल ज़बरदस्त चल रही है, यहाँ पर तो पानी पिए जा रहे हैं, पिए ही जा रहे हैं, सुबह की वजह 2-4 बोटियाँ खा लिया ना, वो हज़म होने का तो नाम ही नहीं ले रही, और बस यहाँ पे पानी पिया जा रहा है। और यहाँ पर जी अभी तक इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट जो हैं वो शूट हो रही हैं, और मैं अपने पूरे साजो सामान के साथ मैं ये आराम से चिल मोल में मज़े से, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तस्वीरें बना रही हैं, हमज़ा जो है वो झूले झूले ले रहा है, और मैं यहाँ पे सुकून से बैठी हुई हूँ, और मुझे ये डर है कि कहीं हमज़ा जो है ना वो कीचड़ में ना गिर जाए। थक गए हो? पिक्चर देखने लो बन्नी। वाओ जबरदस्त। रुशा पे ड्रेस अच्छा भी बहुत लगा है माशाल्लाह। तो दोनों बहनों को ना लॉन्ग शर्ट बहुत अच्छी लगी। हो सकता है कि आप ईद करने आए और कोई आपको रोला ना बने, और रमजा जो था वो थोड़ा सा कीचड़ में गिर गया, और इसकी न्यू शर्ट जो अभी जस्ट मैंने से आज फर्स्ट टाइम पहनाई थी और इसने बुरी तरह गंदी कर दी है कीचड़ में। अभी यहाँ से मैंने एक घर से पानी लेके वहाँ से वॉश किए, और अब मैंने यहाँ पे फैलाई है जी कि अब फैलाई एक हाथ से जा ही नहीं रही मुझसे। हाँ अभी ये मैंने फैलाई है कि ये कुछ ड्राई और फिर रमजा को पहना दें। अब ऐसे ही खेलो नंगे नंगे।
दिखाएं जो आपने रुचा की तस्वीरें बनाई हैं। अच्छा वाह नाइस। एक मिनट नहीं, अच्छा अब जो अच्छी है ना वो नहीं दिखाएगी। ठहरो ना ठहरो। अब ये अच्छे आप किस तरह बनाई जाती हैं? ये देखो ये भी तो मैंने ही बनाई है ना। चलो थैंक यू ननो। शाम के हो गए 8 और अभी हमारा आ गया जो हमने बड़ा जो गोश्त का हिस्सा रखा हुआ था ना वो, और अभी बस हम ये संभालेंगे जितना भी तैयारियां कर लो, कपड़े पहन लो। मैं अम्मी की तरफ बैठी हुई थी, मुझे फोन आ गया कि गोश्त आ गया, आके संभालने, लाइट नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है। मैंने कहा चलें जो जो इनके हिस्से बनाने हैं ना वो करती हूँ। सारा दिन बस ना किचन में और गोश्त भी गुजर गया। तो अब मैं ये मलाइका रुशा आ जाओ मेरे साथ हेल्प करवाओ। हम आपने सबकी इकट्ठी कर ली है। मेरी रह गई है जी। हम नानो की हेल्प करवाते हैं, खड़े हुए हैं जी जी। मैंने चाय बनाई थी, मैंने कबाब बने, फिर जैसा बर्तन बना। नानो ऐसे ही चाय और कबाब बना दिया। नानो तो देख लिया ना कि हम सही काम में हैं ना। लास्ट आखिरी टच ले, फाइनल टच, फाइनल टच। अभी हेल्प चाहिए जी। यार अभी आ गए हैं हम घर और शुक्र है अल्लाह का ईद का जो पहला दिन है ना वो बहुत ही अच्छा गुजर गया। मतलब पुरसकून सारे काम जो है वो हो गए हैं, और बस गर्मी थोड़ी सी ज्यादा थी क्योंकि हब्स और आज बारिश बहुत हुई है ना तो जैसे लाइट बहुत ज्यादा गई है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अब्बू के पास बैठे तो दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। तकरीबन 12 बजे रात के तो मैं वापस आई हूँ अब्बू के घर से, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि ये आप लोग देख लें मेरी स्किन, माशाल्लाह इतनी नीट, अभी तक रियल में इससे ज़्यादा नीट है। कैमरे में मैं कहती हूँ शायद कैमरा गंदा हो। जिनको प्रॉब्लम है कि उनके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन है तो वो यूज़ करेंगे पोर मिनिमाइजर सीरम, ठीक है। ये चिल्तन प्योर का है, ये आपके पोर्स को भी श्रिंक करता है, और अगर आपको एक्नी के जो है वो थोड़े से दाग धब्बे हैं तो उसको भी ख़त्म करता है, और साथ में सबसे बढ़ के आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मतलब रिंकल से ना फ्री करता है। इसको आपने यूज़ कैसे करना है कि रात को सोने से पहले आपने अपने फेस को अच्छी तरह वॉश करना है और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है। इस तरह आपके पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे। जो लोग ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि क्ले लगानी पड़ती है, वैसे इनकी क्लेज भी बहुत अच्छी होती हैं, तो ये बेस्ट चॉइस है, ठीक है, इस हवाले से। और इनका मैं लिंक लगा दूंगी, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको 10 राश्ता लिखेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत थके हुए यार, अगर लफ्स आगे पीछे हो रहे हैं तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे अब आपसे ईद के सेकेंड डे व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।